नगर निगम में एक और नया घोटाला सामने आया है। कचरा उठाने के लिए शुरू किए गए डोर टू डोर अभियान के लिए जो ठेका दिया गया था उसमें 40 शर्तें रखी गई थी, इनको ठेकेदार को पूरा करना था, लेकिन ठेकेदार 30 से ज्यादा शर्तों को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन अधिकारी नियमों में खुद ही बदलाव कर ठेकेदार के 5 करोड़ 3 लाख के बिल पास कर चुके हैं, जिसमें निगम अधिकारियों की सीधी सीधी लापरवाही सामने आती है। मेयर रमेश मल ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अफसरशाही सरकार पर हावी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो डोर टू डोर कलेक्शन कूड़ा इकट्ठा करता है ठेकेदार, उसके घोटाले के बारे में मैंने उनको ये लेटर लिखा है। और इसमें उसने पहले तो जो ये शर्तें थी, उसने 40 शर्तें, उसमें से 30 शर्तों पे वो खरा नहीं उतर रहा है, उन शर्तों के बारे में मैंने लिखा है। और मेनली तो उसमें मैंने लिखा है कि उसने कहा था कि पहले तो मैं 4 शिकायत केंद्र खोलूंगा, उसमें से एक भी उसने नहीं खोला है। और कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर ऑपरेटर रखूंगा, वो भी उसने नहीं करा था। और मेनली उसने डंपिंग स्टेशन जो यहाँ पे बनाया है अंबाला में, वो एयरफोर्स स्टेशन का ये है, उसमें जो उसकी शर्तें थी उसमें उसने कहा था कि उसमें जो कूड़ा है वो पटवी उस पर लेके जाएगा, पर वो जो कूड़ा है वो ही अंबाला में ही सड़ रहा है। और जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में आप डंपिंग स्टेशन नहीं बना सकते, पर उसने ये सारा जो कूड़ा है जगह जगह उसने कूड़े के ढेर लगा रखे हैं। इन सब के बारे में मैंने इसमें बताया। और मेनली ये है कि हमारी तरफ से, पार्षदों की तरफ से उसे कोई संतुष्टि पत्र नहीं दिया गया, फिर कैसे उसकी पेमेंट हो रही है? ये कर्मचारियों, नगर निगम के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके सबके मिली भगत होने के कारण ही उसकी जो है वो पेमेंट हो रही है। इस मुद्दे के सामने आने पर हमने ठेकेदार से भी बात की और इस मामले की सच्चाई को जाना। ठेकेदार ने माना कि उन्होंने कई नियमों का पालन नहीं किया और कुछ में निगम अधिकारियों की लापरवाही। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस दिन ये लॉन्च हुआ था डोर टू डोर का, डीसी बराड़ साहब ने खुद स्टेज के ऊपर बोला था कि जो लेवल लगेगी उसको डीसी रेट दिया जाएगा, मगर वो डीसी रेट जो लेवल उसको मिला नहीं है। मैंने पहले हमारे से संतुष्टि पत्र लेते थे, अब वो भी संतुष्टि पत्र की भी इनको ज़रूरत नहीं समझी और पेमेंट हो गई। उसके बाद मैंने पटवी प्लांट का दौरा किया, वहाँ बहुत सी खामियाँ पाई गई। उसके बाद मैंने साहब को लेटर भी लिखा और इसकी पेमेंट भी रोकने के लिए लिखा था, मगर हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वार्ड पार्षद द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर अम्बाला नगर निगम के मेयर रमेश मल ने भी समर्थन करते हुए निगम अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद ही नियमों में बदलाव कर सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। पहले ये सुनिश्चित किया गया था, आप ठेके की अगर शर्तें पढ़ेंगे, आपने पढ़ी भी होंगी, तो उसमें एक शर्त है कि ठेकेदार निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही कूड़ा एकत्रित करेगा, है मेरे ख्याल से उसमें नंबरिंग 23 है शायद, ये 23 नंबर शर्त ये है कि निगम द्वारा दिए गए स्थान पर ही ठेकेदार कूड़ा एकत्रित करेगा, पर मुझे इस तरह का कोई पॉइंट नहीं दिया गया। ऑल्दो ये होता है हर शहर में, बाकी जहाँ भी काम करते हैं एक प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट होता है, निगम द्वारा एक स्थान दिया जाता है कि सर आप यहाँ पे कूड़ा डाल सकते हैं, यहाँ एकत्रित कीजिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो पॉइंट दोपहर बाद क्लियर हो जाना चाहिए, वहाँ पे कूड़ा ना दिखे, पर मुझे इस तरह की कोई वो स्थान नहीं दिया गया। तो सारा साल इसी को लेकर भी मेरी मतलब वो रही हैं डिबेट्स कि सर मुझे स्थान दे दो, कोई स्थान दे दो। एक पटवी जो जगह थी जहाँ पे फाइनल डंपिंग स्टेशन जो इनका था, वो 17 एकड़ ज़मीन थी सर, वो लैंडफिल साइड जो थी, वो आज से तकरीबन 3 महीने पहले पूरी भर चुकी है। अब वहाँ पे 2 JCVs मेरी हर रोज़ जो कूड़ा एक ट्रॉली डालती है वो उसको लेके ऊपर चढ़ती हैं, डंपिंग यार्ड के ऊपर डाल के आती हैं। बहुत मतलब समस्या से जूझ रहा हूँ इस टाइम पे। तो मैं सर, हाँ मैं यही है कि मेरी ओर से जो खामियाँ रही हैं यदि मुझे उनसे अवगत कराया गया, निश्चित ही मैंने उन पर पूरा ध्यान दिया है, कोशिश करी है कि मतलब डिसअपॉइंट ना हूँ, और पर जो सहयोग में मतलब मुझे मिलना चाहिए था वो यहाँ से वो मुझे उस मतलब उतना नहीं मिल पाया मुझे। इस पूरे मुद्दे को लेकर अधिकारियों को ये परेशानी है कि इस मुद्दे को अभी क्यों उठाया गया, इससे पहले इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया। निगम कमिश्नर की माने तो उन्होंने ठेकेदार को जुर्माना लगाया है, लेकिन वे इस एवज में ठेकेदार का टेंडर रद्द नहीं कर सकते। उसके लिए जो फाइन कटने शुरू हुए वो मेरे समय में कटने शुरू हुए हैं और वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और पिछले महीने की पेमेंट पे लगभग 1.5 लाख रुपए हमने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है, विच इज़ ए सब्सटेंशियल अमाउंट। इसके अतिरिक्त मैंने आने के बाद 4 महीने उनकी पेमेंट रोकी थी, जबकि उससे पहले पेमेंट होती रही थी रूटीन में। 4 महीने की पेमेंट रोकने के बाद स्थिति ये थी कि उससे ज़्यादा ठेकेदार की कैपेसिटी भी नहीं होती, और उस वक्त जो मेरी जो प्रायोरिटी थी
वो ये नहीं थी कि यदि वो 90% की एफिशिएंसी पे काम कर रहा है तो उसको 95 करवाऊं, उसके मैंने प्रयास किए। उस समय मेरी जरूरत ये थी कि शहर में बारिश का समय था, बीमारियों का सीजन था, त्योहार का सीजन था, मुझे शहर को साफ रखवाना भी आवश्यकता उसकी मेरी आवश्यकता थी। 4 महीने की पेमेंट रोकने के बाद, पेनल्टीज लगाने के बाद, विच इज़ ए अगेन अ पेनल्टी 4 महीने किसी की पेमेंट रोकना, उसके बाद ये पेमेंट रिलीज की गई है। जहां तक कलेक्शन का मसला है कि कलेक्शन जो है डोर टू डोर का घरों से करवाया जाना चाहिए था, इस संबंध में इस मुद्दे के आने से बहुत पहले ही जब मैंने ज्वाइन किया था, पहली पेमेंट रिलीज करने से पहले ही जुलाई महीने में मैं इस मामले का संज्ञान प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द कंसर्न डिपार्टमेंट को ले आया था और उसमें मैंने चेक करके ये भी बताया था कि कन्वेंशनली ये स्कीम डोर टू डोर ठेकेदार के माध्यम से पैसा इकट्ठा होना हरियाणा में ठीक से हो नहीं पा रहा, किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर जो 8 कॉरपोरेशन है ये प्रथा ठीक से पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो उसमें हमारी जो गाइडलाइंस हैं उसमें दूसरा क्लॉज ये भी है कि यदि इसको सिर्फ हमने रियलाइज करना है, कमिश्नर की जो है जुरिस्डिक्शन में आता है कि इस प्रकार की कलेक्शन जो सफाई के लिए की जाती है वो हम हाउस टैक्स के अंदर या बाकी जो रिकवरी ड्यूज हैं किसी व्यक्ति के अंदर उसमें शामिल करके उनको रिकवर कर सकते हैं, उसके आदेश हमने जो है ना कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। अब जो बिल्स रेज किए जाएंगे उसमें जो बची हुई राशि है वो पेमेंट के जरिए उनसे एरियर के जरिए टैक्स के तौर पर ली जाएगी। अम्बाला से जाट टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।